हाथ की लकीर पे मच जाए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। आपको पता है जिन्हें पढ़ना होता है ना, वो स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ के आईआईटी निकालने की ताकत रखते हैं। पर तुमसे क्या कहूँ है गालिब, तुम्हें तो एंड्रॉयड का डिस्ट्रैक्शन है। तो जैसे कि आप सब जानते हो, लाइफ में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। वीडियो को एंड तक देखो या ना देखो, दिस इज अबाउट 120 डेज प्लान फॉर आईआईटी जेई। बट इतनी बात जरूर ख्याल में रखें कि लोग आपको आपके हार्डवर्क से पहचाने जाने चाहिए, ना कि आपके एक्सक्यूजेस से। पीपल शुड नो हाउ हार्ड यू वर्क इंस्टीड ऑफ हाउ हार्ड इज योर एक्सक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 120 डेज प्लान फॉर आईआईटी जेई मेंस। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो एक्चुअल फील है वो यहाँ से आना शुरू होता है। अब ये एक मार्केट बन चुका है एंड यू आर अ कंज्यूमर, राइट? आईआईटी जेई इज नाउ अ बिग मार्केट। जैसे कि आप सुपर 30 मूवी में भी देख चुके हो, यू आर नाउ अ कंज्यूमर। अब ऐसा होता क्या है कि मार्केट में इतनी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, किसी की टेस्ट आप देखोगे बहुत ज्यादा टफ है। वो इसलिए होती है ताकि आपको पता चल सके कि आपको कुछ नहीं आता, फिर आप उन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने लगते हो जो वो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत रास्ता है। आप समझे कि एग्जाम की लेवल क्या है। मैं क्या कह रहा हूं मायने नहीं रखता, कोई टॉप का टीचर क्या कहता है मायने नहीं रखता, 25 लाख सब्सक्राइबर वाला टीचर क्या कहता है मायने नहीं रखता, इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट क्या कहता है मायने नहीं रखता। खुद जाओ और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, समझ में आ रही है बात? देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि हाँ, ये मेंस की लेवल है, ये एडवांस की लेवल है। चाहे वो बिट सैट एग्जाम हो, चाहे वो महाराष्ट्र सीईटी हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल की एग्जाम हो। अभी जैसे सीईटी का एग्जाम हुआ तो उन्होंने कहा था जेबी लेवल होगा, बट मैंने एनालिसिस दिया था कि नहीं, सीईटी एवरेज ही हुआ रहेगा और वैसा ही है। सिमिलरली जेई के लिए भी है। जेई मेंस के लिए अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओ, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग दे दे रहा हूं मेरी तरफ से, हार्ड क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आप ना लगाएं। उससे क्या होता है, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है और फिर आप फिर सोचते हो जाने दो, जितना पढ़ रहा है नहीं पढ़ता है, वैसे भी तो मार्क्स कम ही आ रहा है ना। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आप देखो, समझो, सोचो और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को एनालाइज करो। आप सरप्राइज हो जाओगे कि 50% जो क्वेश्चन है वो एवरेज लेवल है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से जाके आप इन सारे पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पास्ट ईयर पेपर देखें, उन्हें एनालाइज करें, उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें। इससे आपको जजमेंट आएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए कुछ इनसाइडर बातें बताता हूँ। जैसे आप पास्ट ईयर पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा लिमिट्स में इंडिटर्मिनेंट फॉर्म से एक क्वेश्चन आता है, मैथमेटिकल लॉजिक से एक क्वेश्चन आता है, हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक सिंपल क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज भी कर लो, ज़्यादा नहीं, पास्ट 5 साल के मैथ्स में आपके 10 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाते हैं, कि एक महीने में आप वो 10 क्वेश्चन को भी टारगेट करो, 10 चैप्टर्स को भी टारगेट करो, 10 कॉन्सेप्ट को भी टारगेट करो जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, दैट मीन्स आपके 40 मार्क्स कवर हो गए। सो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर करना है। ठीक है, अ डे बिफोर टू प्रिपेयर व्हाट टू डू। इस 120 डेज में आपको क्या करना है, कल की जो पढ़ाई है वो आज से ही डिसाइड करके रखनी है। रात में आप ये डिसाइड करके रखोगे कि कल क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपने रात में डिसाइड कर लिया लिमिट्स पढ़ना है और फिजिक्स का एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, तो आप उसी को पढ़ोगे, राइट? इससे क्या है, आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे। अदरवाइज ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस किसी ने सेंड कर दिया इंटीग्रेशन के, उसी को सॉल्व करने बैठ गए, ऐसा ना हो। यू विल गेट व्हाट यू वर्क फॉर, नॉट व्हाट यू विश फॉर। देखिए, ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एक वन डे जर्नी तो है नहीं। आपकी सोच के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ नहीं चल सकती। आप जिस चीज के लिए वर्कआउट करोगे, आपको वही चीज आपके लाइफ में मिलेगी। और देखिए, ये आपके लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। अगर इन 120 डेज का आप सही से यूज करते हो, तो आपका करियर के जो पैकेज है वो 5 लाख से 50 लाख तक पहुंच सकते हैं। सो डिपेंड करता है, आप 120 दिन पढ़ के निकालो या फिर हाफ हार्टेडली पढ़ के निकालो, या फिर मजाक मस्ती एंजॉय पार्टी करके निकालो।
ये आपकी चॉइस है, 120 दिन तो जाके रहेंगे, भगवान भी चाहे तो भी नहीं रोक सकता 120 दिन को जाने के लिए, पर इस 120 दिन में आप ऐसी मेहनत करो, ऐसी दिल से मेहनत करो कि ये आपकी लाइफ को बदल दे, क्योंकि आपको फिर 5 लाख साल की सैलरी की जगह पे 50 लाख साल की सैलरी पे काम करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है। और इसी के लिए तो कंपटीशन है, अगर इजी होता तो गली का कोई भी बच्चा आईआईटी निकाल लेता। थोड़े से एफर्ट्स है, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा डेडिकेशन है, समझ में आ रही है बात? और जो डेडिकेशन देता है वही कर पाता है। और दूसरी बात, सेटबैक्स आते हैं, कभी कभी आप पढ़ोगे कोई कोई टॉपिक नहीं समझेगा, तो क्या करना चाहिए, जो जो आ रहा है एटलीस्ट उतना करते रहो। 33% जो जेई का सिलेबस है, जेई मेंस का, इट इज सो कॉल्ड एज इजिली डूएबल, मतलब 120 मार्क्स तक बच्चे ला सकते हैं। सो अगर आप धीरे 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 भी कवर करोगे तो 120 मार्क्स आपके जैसे ही टच होंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नाउ विल ट्राई, चलो ठीक है कुछ टफ चैप्टर है उन्हें ट्राई करते हैं, तो धीरे 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 आप 180 तक टच करोगे, तो 180 आ गए, हर मॉक टेस्ट दे रहे हो 180 170 आ रहे हैं, देन यू विल ट्राई, नहीं यार 240 250 तक भी ट्राई कर सकते हैं। सो ये जर्नी 250 तक की जेई मेंस की डायरेक्ट ट्रैवल नहीं हो सकती, धीरे 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 ही ट्रैवल होगी। आप क्या करो, छोटे छोटे चैप्टर्स जो हैं, जैसे लिमिट है, फंक्शंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल लॉजिक है, स्टैटिस्टिक है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ट्रिग्नोमेट्री काफी बढ़िया है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स के बाद आप वो पढ़ो, इनको भी आप पढ़ लेते हो तो 30-40 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं विद इन 1.5 मंथ। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप सिलेक्टेड स्टडी भी करो तो आपके 33% आ रहे हैं, मतलब 120 तक आपका स्कोर हो जा रहा है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप कहने लगेगा आपकी बारी 150, क्योंकि 0 से 150 इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है, बट 120 to 150 इमेजिन हो सकता है, और फिर 150 to 180 इमेजिन हो सकता है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप सिलेबस कवर करने पे फोकस करें, और अगर आपको कुछ चैप्टर्स छोड़ने हैं यू कैन डू इट, बट वो बाद में की बात है। एनीवेज मेरा ऐसा कहना है कि यू विल गेट वॉट यू वर्क फॉर, नॉट वॉट यू विश फॉर। नेक्स्ट थिंग है सिटिंग की हैबिट आपकी, आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिंग की हैबिट करनी है, क्योंकि रिविजन इज द इम्पॉर्टेंट की। आप कितना पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको रिवाइज करते हो क्या? जैसे कि मैं मेरी खुद की बात कर लो, अगर मैं इंटीग्रेशन पढ़ रहा हूँ, मैंने 10 दिन 15 दिन इंटीग्रेशन पढ़ा, सब समझ में आ गया, अगर मैंने उसे रिवाइज नहीं किया, प्रोबेबली मैं आपको बता दूं 50% पूरा वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिटिंग हैबिट आप बनाए रखें, क्योंकि आपका टाइम प्रोपोर्शनेट है सक्सेस के, जितना टाइम बढ़ेगा उतना सक्सेस बढ़ेगा। 6 से 7 घंटे स्टडी करोगे तो कुछ अलग सक्सेस रेट होगा, 1 घंटा डेली स्टडी करोगे तो उसका कुछ अलग ही सक्सेस रेट होगा। सो सिटिंग हैबिट बढ़ाए, ठीक है, टाइम एक की फैक्टर है। अगर आपको लगता है कि घूम के आऊंगा फिर पढ़ूंगा, तो अपने आपको ऐसा बोलो कि पहले पढ़ ले फिर घूमने जाने दूंगा। अपने माइंड को अपने ब्रेन से कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि सिटिंग हैबिट आपकी 7-8 दिन अगर आप बैठोगे तो बन जाएगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग है संडे को ब्रेक लेना है आपको और रिचार्ज करना है, ताकि आप बाउंस बैक कर सको। बहुत सारे बच्चे 7 डेज अ वीक पढ़ते हैं, बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर क्विट कर देते हैं 1 हफ्ता। ऐसा ना हो कि आप एक दिन ब्रेक ना लें, उसकी वजह से आपका पूरा वीक खराब जाए, तो ब्रेक लेना जरूरी है। अगली बात आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आप दे भी रहे हो तो वीकली दे, डेली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिक्टली वार्निंग, मार्केट में अवेलेबल बहुत सारी मॉक टेस्ट हैं, बट टफ मॉक टेस्ट की ओर ना जाए, आपका इससे कॉन्फिडेंस लूज होगा। जो ज़्यादातर बच्चे हैं हमने देखे हैं एवरेज परफॉर्मर है, तो वो मॉक टेस्ट बिल्कुल ना दें, ठीक है, इनिशियली टफ मॉक टेस्ट ना दें, प्रॉपरली बुक्स को ढंग से चूज करना सीखें, या फिर ऐसी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जो एक जेई मेंस लेवल है। और इसका पता कैसे चलेगा, आप खुद जाओ पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करो। एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सभी जानते हो जेई की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन को काफी इससे बूस्ट मिल जाता है। तो एनसीईआरटी के कंसेप्ट आपको जेई की प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, नहीं, बट आपके फंडामेंटल यहीं से स्ट्रांग होंगे। किन्हीं के पास महाराष्ट्र बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, कर्नाटका बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। इवन आप देखोगे महाराष्ट्र बोर्ड में जो मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो एनसीईआरटी से ज़्यादा है, लाइक सिर्फ डिफरेंशिएशन में 250-260 क्वेश्चन है।
यहाँ पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मिला के अराउंड 100-120 क्वेश्चन है, तो कितना फर्क आ गया आप खुद सोच सकते हो। इंटीग्रेशन में यहाँ पे डेफिनेट इंडेफिनेट मिला के 130 क्वेश्चन है, वहाँ डेफिनेट में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में महाराष्ट्र बोर्ड में सिर्फ 400 क्वेश्चन है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी स्टेट बोर्ड है तो वो लो लेवल हो गए, स्टेट बोर्ड भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी यूज़ करो चाहे स्टेट बोर्ड करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने बार पढ़े, मिनिमम 2 रीडिंग आपकी होनी चाहिए फॉर केमिस्ट्री फॉर फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि इनसे ये जो कंसेप्ट है आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगला है मेंस वर्सेस एडवांस का सिलेबस। देखिए ज़्यादातर जो सिलेबस है मेंस और एडवांस में डिफरेंस है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिस्कशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड ज्योमेट्री क्वेश्चन आपको एडवांस में देखने को मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के सिंपल कंसेप्ट आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। अब सिंपल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मेहनत ही नहीं है, एनसीईआरटी लेवल होंगे, नहीं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट मेंस और एडवांस का सिलेबस अलग अलग है। तो अगर आप इस ऐसी बुक को यूज कर रहे हो जिसमें मेंस और एडवांस दोनों के कॉन्सेप्ट हैं, तो थोड़ा समझ लीजिए, पास्ट ईयर पेपर देख लो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वही एरिया करना है अगर आप प्योरली मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर आप आईआईटी के लिए एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन रखें। बट मेरा ऐसा कहना है कि पहले आप मेंस का तैयारी करके खत्म कर दीजिए, देन यू कैन स्टार्ट विद एडवांस। तो जैसे ही आपका समझो जनवरी में एग्जाम होता है, देन यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, और ऐसा ही समझ लो एक ही अटेम्प्ट है, मेरे पास दूसरा अटेम्प्ट है ही नहीं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे। पीसीएम का एक प्रॉपर वेटेज आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के कट ऑफ को या इस ईयर के कट ऑफ को, तो आपको नोटिस होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एक हेल्दी बैलेंस रख के चलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री कर लोगे और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपको तीनों में एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करके चलना है। और रही बात इजी चैप्टर्स की और टफ चैप्टर की, चाहे चैप्टर कोई भी हो, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो इजी भी होते हैं, इवन द चैप्टर इज द टफ इटसेल्फ, बट उसमें से कुछ इजी इजी कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में आया करते हैं। सो इट डजेंट मैटर ये चैप्टर टफ है या इजी, आप पढ़ के जाइए, जरूर उसे पढ़िए, हो सकता है उसमें से इजी क्वेश्चन आ गए तो सारे ही बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, तो अगर आप वो छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक प्रॉपर वेटेज मेंटेन करके चले। कोई कोई बच्चे सिर्फ मैथ्स केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करके चलते हैं। अभी इस साल की बात है, एक स्टूडेंट था उसने फिजिक्स केमिस्ट्री पे सिर्फ फोकस करा, एडवांस में 18,000 रह गया, मैथ्स में वो पीछे रह गया, ऐसा ना हो, समझ में आ रही है बात। और 4-5 साल पहले का सीन अलग था, अभी का सीन अलग है। पहले ऐसा होता था 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग थे निकल जाता था, अभी का सीन थोड़ा बदल रहा है, कंपटीशन थोड़ा सा एनहांस हो गया। सो आप तीनों को मेंटेन करके चलें। डूइंग इज इंपॉर्टेंट देन प्लानिंग। देखिए बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, सर हमें प्लान दीजिए, स्टडी प्लान दीजिए। सी प्लानिंग इज अ 5% पार्ट, एग्जीक्यूशन इज 95%। तो बेसिकली सिंपली अगर मैं एक ही बात कहूँ तो प्लानिंग को आप 5% दो। अर्ली मॉर्निंग यू वेक अप, यू स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। 5% मतलब 15 से 20 मिनट आप सिर्फ ये सोचो कि आपको क्या करना है आज के दिन, डिसाइड कर लो एंड जस्ट जंप इट, क्योंकि वन डे एट अ टाइम, दिस इज अ गोल विच इज वन डे एट अ टाइम, है ना। साल भर की पढ़ाई तो आप एक दिन में नहीं करने वाले हो ना, साल भर की प्लानिंग क्यों कर रहे हो। आज का टारगेट रखो कि ठीक है लिमिट्स कर रहे हैं, 3 दिन में खत्म करना है, फिर कंटिन्यूटी स्टार्ट करना है, फिर डिफरेंशियबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, फिर अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और कभी कभी आप प्लान करते हो, ठीक है आप कैसे अलॉट करोगे, 4 दिन आपने अलॉट कर दिए समझो कंटिन्यूटी को, हो सकता है वो 2 दिन में हो जाए। तो कभी भी आप जो फोकस रख रहे हो अपना प्लानिंग पे कम रखो, एग्जीक्यूशन करते जाओ, जल्दी से जल्दी करते जाओ। हो सकता है आप किसी को 4 दिन दो इंटीग्रेशन को, हो सकता है उसको 15 दिन लग जाए। तो डिपेंड करता है, आप एग्जीक्यूशन पे फोकस करो, जितना ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट करोगे उतना अच्छा है, बट एक लिमिट तक रखें। ऐसा ना हो कि आप एक चैप्टर को 1 हफ्ते से ज्यादा चला रहे हो, विद इन अ वीक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट फिर भी डिपेंड करता है, कुछ बच्चे कोचिंग ले रहे हैं उनका अलग प्लान होगा, कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट मेरा एक सिंपल ओपिनियन है, डेली का जितना आप एफर्ट्स कर सकते हो करो, 1 वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करो, ठीक है। कभी कभी 3 दिन में भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, ठीक है, तो इसके लिए लॉग नेसेसरी है, ट्रिग्नोमेट्री नेसेसरी है, डिफरेंशिएशन नेसेसरी है, फंक्शन नेसेसरी है, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स नेसेसरी है। तो एक प्रॉपर ऑर्डर आपको मेंटेन करके चलना है, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपको चाहिए
ऑर्डर के लिए या प्लानिंग के लिए या नेक्स्ट 120 डेज आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो मैं आपको स्केड्यूल भी दे दूंगा। बट इतनी आप चीज़ ख्याल रखें कि एक प्रॉपर ऑर्डर ही करें। जैसे कि कैलकुलस है, कैलकुलस आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, फंक्शन से स्टार्ट करना है, क्योंकि फंक्शन पे बेस्ड ही आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इनको आप बिना फंक्शन के करोगे कोई दिक्कत नहीं है, 50% तो आप कर लोगे, बट 50% क्वेश्चन में स्टक हो जाओगे और फिर बोलोगे कि पढ़ाई टफ है। पढ़ाई टफ नहीं है, तुम्हारा ऑर्डर गलत था। ठीक है, आपको पता नहीं था तो मैंने अभी आपको बता दिया कि बहुत सारे चैप्टर का एक ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में पढ़े। जैसे बाइनोमियल पढ़ने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? तो एक प्रॉपर ऑर्डर आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं 1 या 2 दिन में बना दूंगा। सो बेसिकली आप ऑर्डर आप फॉलो करें, इतना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट इज बिटसेट, WBJEE, CET, इनका प्रिपरेशन कैसे करें। सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप IIT JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इनका प्रिपरेशन साथ ही साथ होते जाएगा। आपसे सिर्फ इतना करना है कि पास्ट ईयर पेपर देख के इनकी डिफिकल्टी लेवल को एनालाइज करना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE, JEE अगर आप कर लेते हो ना, तो WBJEE और बिटसेट, महाराष्ट्र CET, कर्नाटका CET, इनका प्रिपरेशन हो ही जाता है। इनकी लेवल JEE से थोड़ा सा नीचे ही है, अज्यूम कर लो 10% लेस ही है, 20% लेस ही है। ठीक है, जेई मेन से कंपेयर कर रहा हूं, एडवांस से नहीं। ठीक है, फिर भी आपके अगर कोई डाउट ले जाते हैं प्रिपरेशन या गाइडेंस रिलेटेड, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई है। 120 डेज एक अच्छा खासा एग्जीक्यूशन करना है। टारगेट ऐसा रखना है 1 वीक में 1 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर भी आपको अगर एक स्केड्यूल चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।